गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है YouTube ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको शो करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एटॉमिक रेडियस। नंबर टू प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर थ्री वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर फोर ट्रेंड ऑफ M2 + M ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर फाइव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर सिक्स फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मींस जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सबके सब आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सबके सब आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबिलिटी शो करते हैं विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ट्रेंड इनका होता है मेटल से, जब अपन मेटल 2+ में मूव करते हैं तो इनका ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, क्या होगा इनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जब हम बात करेंगे 3D सीरीज की, और क्या होगा इनका एटॉमिक रेडियस। ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बिहेव एज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, यानी इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। नंबर सेवन हमारे पास जो होगा, नंबर एट दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नंबर नाइन जो हमारे पास होगा वो होगा कलर प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कलर प्रॉपर्टीज। नंबर टेन हमारे पास होगा जो होगा आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, नंबर 11 जो हमारे पास होगा वो होगा आपके पास में अलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है इसके बाद कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं सेम कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, एज वेल इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर कंपोनेंट्स या कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एज वेल ये आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं, साथ ही में आपके अलॉयज का फॉर्मेशन भी करेंगे, यानी ये कंपाउंड्स आपके अलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं। अलॉय मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है वन बाय वन जब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी से जो हमारे पास कौन सी है, एटॉमिक रेडियस की है। जैसे ही हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी तो समझ लीजिएगा कि आपका चैप्टर जो है वो ये भी कंप्लीट आपका हो ही जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। चलिए, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमें आपसे पहले भी कहा था कि मेनली आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज पे कमांड करनी है, 3D सीरीज को आपको एक्सप्लेन करना है ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी से, और उसको स्लाइटली हमें कंपेरिजन करना है 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स के साथ। जब बात करते हैं 3D सीरीज की, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, 11th क्लास में भी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी हम इस एक्सेप्शन केस को देखते हैं, दैट इज कि जब भी हम मूव करते हैं स्कैंडियम से आयरन की तरफ मूव करते हैं तो आपकी साइज क्या होती है, डिक्रीज, और ये हमारा रेगुलर ट्रेंड भी है। रेगुलर ट्रेंड अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, रेगुलर ट्रेंड हम कहते हैं कि जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपकी साइज जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है।
मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जब आपका न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब आपका इंक्रीज होगा तो यह आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे आपके साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपका रेगुलर ट्रेंड है साइज का कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। और एक रेगुलर ट्रेंड आपका अप टू डाउन भी है कि अप टू डाउन मूव करने पर साइज आपकी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो आपकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज आपकी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड अप से डाउन मूव करने पे साइज आपकी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने जो एक्सेप्शन केस देखा है वो क्या देखा, स्कैंडियम से आयरन तक तो आपकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद आपकी साइज कॉपर तक क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। और उसके बाद में आपकी जिंक तक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपकी साइज डिक्रीज हो रही है, देन यहां से यहां तक साइज आपकी कॉन्स्टेंट रह रही है, देन कॉपर टू जिंक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। क्या आना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज आपकी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए आते हैं, ये सीरीज जो हमारे पास में है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, 3D सीरीज। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में हमारे पास में क्या है, ये मान लीजिए अपना न्यूक्लियस है, इसके पास में क्या है हमारे पास में 3D सबशेल है यानी कि M-1D जो मैंने आपको बताया था। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी 4S सबशेल, 4S यानी आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए। ठीक है, अब 3D सीरीज जो है उसमें अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। टाइटेनियम की बात करूंगा तो D2 हो जाएगा, वेनेडियम की बात करूंगा D3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरफ से इस तरफ मूव करने पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में इंक्रीज होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, समझ रहे, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होता है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट की बात मैं अगर करूं तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। कैसे होता है समझ लीजिए, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि इनर सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है, करेगा ही, बिकॉज इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट मींस इनर सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्शन से शील्ड कर रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाते हैं, मान लीजिए रिपेल कर पाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दैट मींस अगर शील्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग हुआ तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब शील्डिंग पावर वीक हुआ, ये इसको शील्ड नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो गए तो साइज क्या होगी, डिक्रीज हो गई आपकी। दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो साइज इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका वीक है तो साइज आपका डिक्रीज होगा। सो शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आप लोगों को आना ही चाहिए, एस सबशेल का सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। तो यहाँ पे अपन डी सबशेल की बात करें जिसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर होता है। कैसा होता है, पुअर, जबकि एफ का सबसे पुअरेस्ट होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो देखिए अब होगा क्या, हम बात कर रहे हैं स्कैंडियम से पहले आयरन तक की। यहाँ पे 3 केस बना लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। जब बात करेंगे केस 1 की, किसकी, 1 की, जो हम बात करना चाह रहे हैं किसकी, फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन। तो हमने क्या कहा कि डी सबशेल जो है आपके पास में उसका जो शील्डिंग पावर है वो कैसा है, पुअर है। ठीक है, एज वेल जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है,
अब इन इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर इन इलेक्ट्रॉन्स पे पुअर है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कह रहे हैं कि शील्डिंग पावर पुअर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस की और अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट्स वाई आपकी साइज जो होती है वो स्कैंडियम से आयन तक डिक्रीज होती है। तो इन केस फर्स्ट यू कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आपका डोमिनेट करता है, मोर होता है, ग्रेटर होता है, किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे पुअर है, और जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो साइज आपकी डिक्रीज होगी, एज वेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका ज्यादा होता है तो साइज डिक्रीज होगी। दैट्स वाई स्कैंडियम टू आयरन आपकी साइज डिक्रीज होती है, बिकॉज स्कैंडियम टू आयरन जो होता है वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेंट होता है, किसपे? शील्डिंग इफेक्ट पे। ठीक है, तो वेन एवर वी मूव लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, देन स्कैंडियम टू आयरन साइज बिकम डिक्रीजेस ड्यू टू मोर या ड्यू टू डोमिनेंसी ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवर दिस शील्डिंग इफेक्ट। केस नंबर टू पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम कोबाल्ट टू कॉपर। यहां पे साइज क्या है आपकी? कॉन्स्टेंट। क्या है? कॉन्स्टेंट। देखिए आयरन से यहां पे बात करते हैं आगे की तरफ, कोबाल्ट निकल कॉपर, तो यहां पे साइज क्या हो रही है आपकी? सिमिलर हो रही है आयरन से लेके कॉपर तक। जब साइज सिमिलर है क्यों है? बिकॉज अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी शील्डिंग पावर भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो जब शील्डिंग पावर बढ़ेगी तो अब समझो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटॉन्स भी तो सर बढ़ेंगे, यस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपका इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट इन इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस पे जो प्रेजेंट चार्ज है वहां तक की डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन का इन इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या है? लोअर है। तो अब धीरे धीरे आपका शील्डिंग पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब शील्डिंग पावर जो इंक्रीज होगा दैट मीन्स ये इनको रिपेल करेंगे, बट अंदर की तरफ न्यूक्लियस इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दोनों फैक्टर आपके यहाँ पे इक्वलाइज हो जाएंगे, यानी बोथ फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, दैट मीन्स ना तो इलेक्ट्रॉन आपका यहां से रिपेल हो रहा है ना ही ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो साइज जो थी वो की वो मेंटेन रहेगी। यहाँ पे क्या कहेंगे? दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स क्या हुआ यहां पर? मीन्स बोथ फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर बाय विच साइज बिकम्स कॉन्स्टेंट। साइज जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों आपके पास। देखो मैंने फिर से क्वेश्चन लिखा रहा आपको, वाई साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इनकी साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होगी? तो आपको आंसर देना है बिकॉज दीज एलिमेंट्स है, जब हम बात करेंगे Fe2 कॉपर की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट Fe2 कॉपर देन शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोथ द फैक्टर्स देन काउंटर बैलेंस टू इच अदर बाय विच साइज बिकम्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उन पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे कौन लगाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। तो दोनों फैक्टर्स काउंटर बैलेंस कर देंगे दूसरे को, जिससे साइज जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट हो जाती है। अब आती बात नंबर थर्ड पे, यानी केस नंबर थ्री पे। आपके पास क्वेश्चन हो गया, केस नंबर थ्री में जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि आपकी साइज जो है कॉपर टू जिंक वो आपकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको मैं यहां पे बना देता हूं आपके सामने, केस नंबर थ्री को देख लेते हैं कहां पे स्पेस आपके पास आ रहा है। ठीक है, यहां बना रहा हूं केस थ्री, कॉपर टू जिंक जो आपके पास है, कॉपर टू जिंक में हम क्या कहेंगे कि साइज जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होगा तो अब आपका हल्का सा फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा यानी शील्डिंग पावर जो होगा वो अब आपका डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर? न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे। एक चीज बड़ी नोट करने वाली यहां पर है, वो क्या है?
जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। बट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो वो स्पिन शील्डिंग मोर अप्लाई करना स्टार्ट करता है एज कम्पेयर टू द अट्रैक्शन के, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच गैप कम है, डिस्टेंस कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच गैप मोर है। ठीक है, तो जितना इफेक्ट ये डालेगा उससे कई इफेक्ट आपका ये डालना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होगा तो अब आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मोर हो जाएगा। तो इन दिस केस यू कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उस पर डोमिनेट कर रहा है आपका, कौन? शील्डिंग इफेक्ट। कौन डोमिनेट कर रहा है? शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इन 3D सीरीज एलिमेंट्स वाई साइज इंक्रीजेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक? तो कहेंगे बिकॉज फ्रॉम कॉपर टू जिंक शील्डिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट मोर होगा सो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे, सो साइज क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 3 केस बनते हैं जब हम बात करते हैं 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस की। व्हेनेवर वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे स्कैंडियम से आयरन तक साइज होगा आपका डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेंट है शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, दैट्स व्हाई साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फ्रॉम कॉपर यानी आयरन टू कॉपर की बात करेंगे तो साइज ऑलमोस्ट कैसी है? आइडेंटिकल है, सिमिलर है, बिकॉज यहाँ पे बोथ द फैक्टर आर इक्वल, यानी कि आपका शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फैक्टर दोनों कैसे आपके? सिमिलर है, इक्वल है, सो बोथ द फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर एंड साइज बिकम्स कॉन्स्टेंट। जब बात करते हैं कॉपर से जिंक की, यहाँ पे आपका शील्डिंग इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है किस पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट मोर होगा, दैट मीन्स इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो साइज आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज 3 फिनोमिना हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, 3 फैक्टर्स हमें, 3 टोटल हमारे पास में यहाँ पे रीजन हमारे पास आ रहे हैं कि कब आपकी साइज डिक्रीज हो रही है, कब कॉन्स्टेंट और कब आपकी इंक्रीज हो रही है, व्हेनेवर वी मूव लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज। अब इनको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे किसके साथ? 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के साथ। पहले लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए अब देखते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं इसी साइज को, एटॉमिक रेडियस को, किसके साथ? 4D एंड 5D सीरीज के साथ। चलिए देखिए, बात करते हैं 4D एंड 5D सीरीज के साथ। किसको कंपेयर कर रहे हैं? 3D को। दैट मीन्स ये ट्रेंड आपका हो गया 3D टू 4D, 4D टू 5D, यानी कि अपसाइड डाउन। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, अगर हम रेगुलर ट्रेंड बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि वेन एवर वी मूव अप टू डाउन, जब भी हम अपसाइड डाउन मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो रही है। देखो, हो रही है 3 से 4, 4 से 5। दैट मीन्स न्यूक्लियस से आपकी 3D, 4D, 5D सीरीज क्या हो रही है? आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, दैट मींस आपका साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3D, 4D एंड 5D, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड। ठीक है, बट एक्चुअल में साइज का ऑर्डर क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर ऑफ साइज जो आपके पास है वो क्या होता है? यहां पे वो होता है आपके पास 3D, ऑब्वियसली सबसे लोअर साइज का होगा, बट 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्यों होती है? ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, हमें को ये पता है कि जब भी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलर ट्रेंड, तो 4D से 5D में मूव करने पे नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन साइज शुड बी इंक्रीजेस। तो 5D ग्रेटर साइज का होना चाहिए किससे? 4D से होना चाहिए ना, बट ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों हो गया वो देखिए फटाफट से। बिकॉज बिफोर एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन 5D सबशेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब 4D से 5D में जाता है तो 5D से पहले आपका वो मूव करता है, एंटर्स इन 4F सबशेल। किसमें एंटर करता है? 4F सबशेल में। अब 4F सबशेल में एंटर कर रहा था, मैंने आपको यहां पे लिखवाया था भी कि S की शील्डिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, देन P की, देन D की, देन F की। इसका मतलब F की शील्डिंग पावर तो सबसे पुअर होती है, और शील्डिंग पावर अगर पुअर होगी तो साइज क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज। ठीक है, तो इसमें यह हुआ कि जब हम 4D से 5D में मूव करते हैं, व्हेनेवर वी मूव 4D टू 5D, तो 4D से 5D में मूव करने से पहले
इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 4s सबशेल में जाता है, ठीक है, विच हैव पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट, जिनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो d से भी पुअर होता, देखिए d सबशेल से भी पुअर किसका होता है, f का शील्डिंग इफेक्ट। बट जब हम 3d से 4d में मूव करते हैं तो यहां पे कोई f सबशेल आपके पास नहीं होती, इसीलिए यहां पे केवल नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने पे साइज इंक्रीज होगी, तो 4d की साइज ग्रेटर है किससे, 3d से। बट 4d से 5d में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 4f सबशेल में, जिसका शील्डिंग पावर कैसा होता है, पुअर, ठीक है। सो साइज बिकम्स डिक्रीजेस, ओके। बट वी नो दैट साइज इज ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स, सो बोथ द फैक्टर्स काउंटर बैलेंस्ड ईच अदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पे आपके पास में दो फैक्टर यूज में आ रहे हैं, पहला 4d से 5d में मूव करने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन 5d में एंटर करने से पहले 4f में एंटर करता है और f की शील्डिंग पावर पुअर होगी तो आपके साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे और आपकी साइज क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो क्या बनता है, वाई साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम, आपको याद ही होगा टाइटेनियम के जस्ट नीचे टाइगर जिराफ हम सफर, टाइटेनियम के जस्ट नीचे आपका जर्कोनियम एंड हॉफनियम आपका होता है, दैट मीन्स ये 3D एलिमेंट है, ये 4D है और ये 5D। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे आपसे, वाई साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होगी, बिकॉज ये 4D एलिमेंट है और ये 5D, अपसे डाउन मूव करने पे साइज इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स, बट बिफोर एंटरिंग इन इलेक्ट्रॉन 5D सबशेल इट एंटर्स इन 4F विच हैव पुअर शेडिंग इफेक्ट, सो साइज बिकम्स डिक्रीजेस, बोथ द फैक्टर काउंटर बैलेंस टू इच अदर, दैट्स द साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में डालना होता है, ठीक है। तो ये अपना एटॉमिक रेडियस यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जो हमने देख लिया है 3D सीरीज में कंप्लीट इसको डिस्कस किया, अपन ने एक्सप्लेन किया लेफ्ट से राइट और इसको हमने कंपेयर भी कर लिया 4D एंड 5D सीरीज के साथ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक रेडियस, फटाफट से ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट, इसको हमने डिस्कस कर लिया है पीरियड्स में भी एज वेल एज ग्रुप में भी। चलिए हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर टू हमारे पास जो है वो क्या है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसेस एटम, तो वो एनर्जी क्या होती है आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पता है। ट्रेंड की बात करते हैं, अपन बी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ चुके हैं लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, वी कैन से वेन एवर वी मूव लेफ्ट टू राइट देन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अपसे डाउन जाने पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी ना बच्चों, तो आपका इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो होगी, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट मूव करने पर इंक्रीज होता है। हमें जो डिस्कस करना है आयनाइजेशन एनर्जी को, वो करना है
3D सीरीज में। बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, दैट इज 3D5 4S1। इसका होता है 3D5 4S2, कॉपर का होता है 3D10 4S1 और जिंक का होता है 3D10 4S2। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक कभी भी ओपन कीजिएगा और वहां पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको इन सब के डेटा लिखे हुए मिल जाएंगे कि इसकी आईपी कितनी होगी, इसकी आईपी कितनी होगी, उनका डेटा आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, बट हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, वो डेटा पे नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि किसकी आईपी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होगी एंड क्यों। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, फर्स्ट आईपी की। तो फर्स्ट आईपी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीज एंड जिंक की। किसकी होगी इन एलिमेंट्स में से, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीज की, और इस एलिमेंट्स ग्रुप में ज्यादा किसकी होगी, जिंक की होगी। ठीक है, तो मैग्नीज एंड जिंक वो एलिमेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। क्यों होती है, देखिए, बिकॉज मैग्नीज की बात करता हूं तो इसके पास कॉन्फिगरेशन 3D5 4S2 है, दैट इज हाफ फिल्ड। कैसा है, हाफ फिल्ड है और 4S में फुल फिल्ड है। जबकि जिंक की बात करते हैं तो इसके पास में 3D10 4S2 यानी यहां भी फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। तो जब इनके पास में फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, दैट मीन्स ये कैसे है, स्टेबल है। कैसे, स्टेबल। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन एलिमेंट से अपन को इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उनके लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इनके बेसिक्स स्टडी करने हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, तो आप मेरा जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल 11th क्लास का, वो मैंने यूट्यूब पे पूरा अपलोड कर दिया है। आप अगर आप उन बेसिक्स को अगर वापस से पढ़ना है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, तो वो सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप 11th क्लास का, मैंने एक पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, दैट इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसे जाकर के आप उसमें बेसिक सारे अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने कहा मैग्नीज और जिंक दोनों एलिमेंट जो होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड है। ठीक है, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है, दैट मीन्स ये स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी मैग्नीज और जिंक की हाई होगी। बट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किन की हाई होती है, क्यों? तो मैं बता दूं, सेकेंड आयनाइजेशन होती है क्रोमियम एंड कॉपर की, जिसकी क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। वाई? बिकॉज क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन बताइए कितना है, 3D5 4S1, जबकि कॉपर का कितना है, 3D10 4S1। बात कर रहे हैं अपन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मीन होता है बच्चों कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते टाइम पर, है ना, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नीडेड, उस टाइम पे आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो होती है आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 3D5 4S0। इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं तो कितना बचेगा, 3D10 4S0। दैट मीन्स ये हुआ कि क्रोमियम एंड कॉपर बोथ एलिमेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज एलिमेंट एक्वायर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, क्या कहा हमने कि क्रोमियम एंड कॉपर जो आपके पास में एलिमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कैसा बन गया आपका, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड बन गया। इसे और बेटर यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। क्रोमियम का पास आपके पास भी कॉन्फिगरेशन 3D5 4S1 है, कॉपर का आपके पास 3D10 4S1 है,
जैसे ही आपने इससे वन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपके पास 3d5 4s0 हो गया, दैट इज हाफ फिल्ड, सही है। और जब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये आपके पास बन गया 3d10 4s0, दैट इज फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, फुल फिल्ड, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं, तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, देखिए। अब देखिए 3d5 का मतलब हाफ फील्ड हो गया, 3d10 का मतलब गया फुल फील्ड। अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में कैसे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते टाइम पे आपको यहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, मोर चाहिए। जब आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर चाहिए, मोर रिक्वायर्ड है, इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है कॉपर और क्रोमियम की आपकी हाई होगी। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी की बुक ओपन करना, वहां पे आपको डेटा मिलेगा, देख लीजिएगा, उस डेटा में आपको क्रोमियम एंड कॉपर की सेकेंड आईपी बहुत ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द जिंक एंड मैगनीज की भी। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड आईपी की, किसकी थर्ड आईपी की, तो अगेन मैगनीज और जिंक की हाई होगी। क्यों होगी, देख लीजिए, इसका कॉन्फिगरेशन 3d5 है 4s2 है, 3d10 है 4s2 है, सॉरी। तो मैग्नीज और जिंक का कॉन्फिगरेशन ये आपके पास में है, बात कर रहे हैं थर्ड आईपी की, दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते टाइम पे कितनी एनर्जी हमें चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन जब यहां से रिमूव कर ही देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 3d5 4s0, और दो इलेक्ट्रॉन जब यहां से रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा 3d10 4s0। अगेन हमारे पास में क्या बात आ गई कि 3d5 एंड 3d10 दोनों कैसे हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो आपको तो ये देखना है कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट आईपी के टाइम पे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पर, या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पर कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है जो कि स्टेबल होता है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी। तो जब बात करेंगे फर्स्ट आईपी की और बात करेंगे थर्ड आईपी की, तो ये मैग्नीज एंड जिंक की हाई होगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होते हैं। बट जब बात करते हैं सेकेंड आईपी की, तो यही क्वेश्चन बनेगा व्हाई सेकेंड आईपी, या ऐसे बोल देगा एक्सप्लेन कीजिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को 3D सीरीज के अंदर। तो बताना है कि इन 3D सीरीज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हायर देन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्शनली बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोशन, ठीक है। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने टाइम पे आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगा, दैट्स व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर की सेकंड आईपी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी विच इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां से केवल एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एटॉमिक रेडियस से मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चंस बताए थे, वो 3 क्वेश्चंस प्लस एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 4 क्वेश्चन, ये टोटल 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को, हो गया। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो कौन सी होगी आपके पास, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बनेगा वो ये बनेगा क्वेश्चन कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट के इस वाली प्रॉपर्टी से। तो आंसर सिंपल सा है, ड्यू टू अवेलेबल ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके पास में आपके अवेलेबल होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट मीन्स यू कैन से प्रेजेंस ऑफ, और वी कैन से प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्बिटल में जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी सबशेल के अंदर, वो उतने ज्यादा क्या बना सकता है आपके पास में, उतने ज्यादा आपके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
ठीक है, बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स के पास में आपके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, यू कैन से दैट इन सभी ऑर्बिटल के पास में आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि जितने ज्यादा होंगे इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा ये शो करेंगे क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा फंडा ये है कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज वेल यू कैन से कि उसके पास में उतनी ज्यादा क्या होगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दियर डी सबशेल, या यू कैन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल वैकेंट। ठीक है, तो ये आपके पास में खास कॉन्सेप्ट रहेगा कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो आ जाइए एक्सप्लेन करते हैं इसको 3D सीरीज में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये एलिमेंट्स आपके पास में है। अब अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम के पास में 3D1 यानी कि इसके पास केवल एक ही अवेलेबल है अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देख लीजिए आपके पास में जो डी सबशेल होती है वो कुछ इस तरह की होती है आपके पास, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन D1 में आएगा, तो आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। ओके, तो जस्ट इसके नियरेस्ट नोबल गैस होगी कौन सी, जस्ट इसके जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है, ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 21 से ये 18 में मूव करेगा तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। कितनी होगी, +3। स्कैंडियम जो है उसके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स है, ये चाहता है अपने आपको नोबल गैस में कन्वर्ट करना, बिकॉज नोबल गैस क्या होता है, स्टेबल गैस कॉन्फिगुरेशन होता है, तो उसमें चेंज होने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बना लेगा, +3, क्योंकि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 3D1 4S2। आगे मूव करता है टाइटेनियम पे, तो उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी, तो ये शो करता है +2 +3 +4। वैनेडियम पे मूव करते हैं तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होगा, तो ये +2 +3 +4 +5 शो करेगा। क्रोमियम पे जाएंगे और इंक्रीज हो जाएंगे आपके, तो +2 +3 +4 +5 +6 और ये शो करता है +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 तक, क्योंकि मैग्नीज के पास में एक्चुअल में डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनपेड फॉर्म में है। देखिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक देख रहे हैं आप कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां से यहां तक मूव करने पे आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब Fe पे आते हैं बच्चों, तो Fe में आपके पास में 3D6 होता है, 6 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। इसका मतलब अब यहां से यहां जब जाएंगे अपन, तो आपकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की जब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ड्यू टू लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां से आपकी अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो Fe शो करता है +2 +3 +4 एंड +6, कोबाल्ट शो करता है +2 +3 +4, ये +2 +3, ये +1 +2 और ये ओनली +2 शो करता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, यहां से यहां तक देखिए आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से यहां तक आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक आपके क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू पेयरिंग। यहां पे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो चले गए, और डी ऑर्बिटल यानी कि जिंक की बात करूं तो इसमें तो फुलफिल्ड हो गया, इसलिए ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है, कौन से, S2। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 3D10 4S2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बिकॉज थर्ड आईपी में ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शो करेगा अपने आपको। तो जिंक जो है उसकी स्टेट के हमारे पास +2 ही आ रही है। तो बताइए यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास बनेंगे वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1, विच एलिमेंट शो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, मैग्नीज। देखिए मैग्नीज +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, और आंसर है आपका मैग्नीज, और साथ में लिखेंगे वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5
अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस शो कर रहा है, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन शिफ्ट शो करेगा। तो अमंग 3D सीरीज एलिमेंट्स जो भी आपके पास 3D सीरीज है, इस 3D सीरीज में आपके पास में सबसे हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन है, मैग्नीज है, जो शो करता है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबशेल में, इसलिए सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास बन सकता है इसी में, वो बन सकता है विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिंक भी है और स्कैंडियम भी है, लेकिन बच्चों जिंक तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इन सभी में से आपका जिंक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट एज वेल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें से आंसर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ओनली एंड ओनली स्कैंडियम, कौन बनेगा स्कैंडियम। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो यहां पर बोलूंगा कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है +2, क्या है +2, बिकॉज देख लीजिए सबके सब एलिमेंट जो है ना स्कैंडियम को छोड़कर के सबके सब एलिमेंट +2 शो कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 शो करता है, दैट इज कॉपर। एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो आपका +1 शो करता है, बिकॉज इसमें 3D10 के बाद में 4s यानी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम रिलीज कर देंगे तो +1 शो करेगा, ठीक है। बात करें एक ऐसा एलिमेंट जो आपका +2 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, तो वो कौन है, स्कैंडियम। टोटल 4 क्वेश्चन हो गए और इसको मिला तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। Why डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, इसीलिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, एज वेल +2 भी शो नहीं करता। मैग्नीज ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +1 शो करता है। बाकी टोटल एलिमेंट्स में से टोटल 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल स्टेट शो नहीं करते हैं डी ब्लॉक के, वो एक जिंक है एक स्कैंडियम है। अगर आपसे कहा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताइए जो वेरिएबल स्टेट शो नहीं करते, तो 2 है, स्कैंडियम एंड जिंक। बट आपसे कहा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल स्टेट, तो देन आपके पास आंसर क्या है, स्कैंडियम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी, वो यहां पे कंप्लीट हो गई है। टोटल मैंने स्टार्टिंग में आपको 11 प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रॉपर्टी इसमें और एड कर लीजिएगा, दैट इज मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज 12th प्रॉपर्टी, ठीक है, वो भी हमें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट करनी है, आज के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए उन स्टूडेंट से भी जिनसे आप लोग कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच।